क्लास नाइन्थ फ्रॉम एमएल अग्रवाल चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 10 राइट थ्री नंबर्स हमें थ्री नंबर्स राइट करने हैं हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग जो नॉन टर्मिनेट हो टर्मिनेट ना हो एंड नॉन रिकरिंग तो ये किसकी प्रॉपर्टी है नॉन टर्मिनेट एंड नॉन रिकरिंग मतलब रिकरिंग मतलब वो जो रिपीट ना हो तो ये जो डेफिनेशन मतलब ये किसकी प्रॉपर्टी है ये प्रॉपर्टी है आपकी इरेशनल नंबर की। चलिए देखते हैं। सो फर्स्ट हम आपको यहाँ पे बताएंगे कि इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टी क्या है। तो इरेशनल नंबर के बारे में पहले बात करें फिर उसके बाद हम उसे राइट कर लेंगे। इरेशनल नंबर फ्रॉम माय साइड थ्री टाइप्स के होते हैं, ठीक है, वो हम आपको तीनों भी दिखा देते हैं। इरेशनल नंबर्स आर All non-terminating, non-terminating means जो terminate ना हो यानी उसे कोई भी divide ना कर सके non-terminating and not repeating जिसे recurring भी बोलते हैं दोनों same है non-repeating is called irrational। तो irrational three types के होते हैं क्या वो भी आपको दिखा देते हैं। First अगर हम नंबर्स के बारे में बात करें देखिए थ्री हमें नंबर्स राइट करने थे वो हम यहाँ पे एग्जांपल के साथ भी आपको एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट इसकी आइडेंटिटीज क्या है वो आपको दिखा देते हैं। तो आइडेंटिटीज के लिए हम रेड पेन का यूज़ कर लें तो ज़्यादा बेस्ट होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट इसकी आइडेंटिटीज क्या होती है डैश जहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट आपको देखना उसे हम इंडिकेट रेड पेन से कर दे रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट आइडेंटिटीज डैश होना चाहिए और कोई भी नंबर हो उसके बाद डेसिमल होना चाहिए। डेसिमल होगा तभी तो डैश होंगे नंबर्स। देन आफ्टर यहाँ पे जो भी आप नंबर लिखें वो रिपीट नहीं होने चाहिए। आप यहाँ पे लिख दीजिए ना 1 2 5 7 9 3 2 इसे चेंज कर लीजिए 5 मत लिखिएगा क्योंकि 2 बाद 5 भी आ जाएगा, ठीक है। 6 8 कर लीजिए 7 कर लीजिए। अब देखिए कोई भी नंबर बार बार रिपीट नहीं हो रहा मतलब 2 आपका रिपीट हो रहा है लेकिन 2 के बाद 5 भी आना चाहिए ना लेकिन यहाँ क्या है 6 तो ये आपका क्या है इरेशनल नंबर। देखिए नॉन टर्मिनेटिंग मतलब डैश मतलब इसे कोई डिवाइड नहीं कर सकता मतलब जिस हम इसे डिवाइड अगर किए होंगे डिवाइड करेंगे तो श्योर है कोई रैशनल नंबर बन जाएगा इरेशनल तो होगा नहीं। तो इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं है तो एंड पॉइंट नहीं है तो इसी को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग यही इसकी आइडेंटिटीज। नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग मीन्स क्या होता है कि कोई भी नंबर रिपीट नहीं होने चाहिए मतलब कोई भी नहीं जैसे एक लेयर पे जैसे हम यहाँ पे ले दिए 2.5792 5792 5 7 देखिए 5792 रिपीट कर रहा है नहीं कर रहा तो इसे हम रिपीटिंग बोलते हैं लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ है क्या नहीं है तो ये आपका ये हो गया थ्री टाइप्स का हम बोले थे। सेकंड कोई भी नंबर हो जो रूट से बाहर ना आए चाहे वो स्क्वायर रूट हो क्यूब रूट हो फोर रूट हो फाइव रूट हो कोई भी रूट हो मल्टीपल रूट हो। अगर हम यहाँ रूट फाइव कर दें और यहाँ पे हम 16 लिख दें तो क्या प्राइम फैक्टराइजेशन करने में 16 का 5 पेयर बनेगा नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा तो ये क्या हो गया आपका इरेशनल नंबर। तो ये सेकेंड टाइप्स के हुए। तो जो नंबर्स ठीक है अ नंबर विच कैन नॉट बी परफेक्ट स्क्वायर आर परफेक्ट क्यूब आर परफेक्ट फोर टाइम्स आर परफेक्ट मल्टीपल रूट्स इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। एंड थर्ड टाइप से कौन सा होता है थर्ड है आपका पाई। तो आपके सामने हमने तीनों इरेशनल नंबर को शो कर दिया तो ये तीनों आपके आंसर हैं लेकिन आप चाहें तो नंबर्स की ही बात किया गया कि राइट थ्री नंबर्स आप राइट करिए। तो फर्स्ट ये हो गया। सेकेंड आप कुछ भी लिख लीजिए 2.0257922 के बाद 5 मत लिखिएगा रिपीट हो जाएगा तो यहाँ पे आप 1 कर लीजिए 8 कर लीजिए 7 कर लीजिए डैश देखिए कोई रिपीट कर रहा है नहीं कर रहा तो मतलब इरेशनल। देन थर्ड और कुछ लिख लीजिए जो भी लिखना है 0 पॉइंट लिख लीजिए 0001 फिर 02 लिख लीजिए 003 लिख लीजिए 0004 लिख लीजिए कोई रिपीट कर रहा है क्या नहीं लेकिन सबसे बड़ी आइडेंटिटीज डैश ये आपके थ्री आपके आंसर हुई विथ डेफिनेशन के साथ। चलिए अब आते हैं सॉल्यूशन नंबर 11।
नाउ क्वेश्चन नंबर 11, इंसर्ट अ रैशनल नंबर, इंसर्ट अ रैशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर, देखिए इंसर्ट अ रैशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3, हमें इन दोनों के बीच क्या निकालना है, इरेशनल नंबर, क्या राइट करना है, इरेशनल नंबर, और हमारे पास क्या है यहाँ पे, रैशनल नंबर, ये सभी रैशनल नंबर है ना, देखिए टर्मिनेट हो गया, सभी रैशनल हैं, क्या है ये सभी आपके जो 5 हैं वो सभी रैशनल हैं, हमें उनके बीच क्या लिखना है, इरेशनल, तो चलिए राइट करते हैं, माफ़ कीजिएगा, हमें रैशनल नंबर भी फाइंड करना है और एक इरेशनल नंबर, तो चलिए सॉल्व करते हैं, एक रैशनल भी देना और एक इरेशनल, किसके बीच, 2 and 3, तो चलिए आपको इसको ट्रिक के अकॉर्डिंग बताते हैं, ट्रिक से कैसे, फुल डिटेल, 2 and 3 है ना, एक नंबर लाइन बनाइए, ये नंबर लाइन हो गया, ये 0, 1, ये आपका 2 और ये आपका 3, हमें इसके बीच रैशनल नंबर भी देने हैं और इरेशनल भी देने हैं, ठीक है, रैशनल नंबर मतलब अगर आपको फाइंड करना है किसी भी दो नंबर्स के बीच, तो उसका जो ओरिजिनल फार्मूला है, ओरिजिनल भाई अपॉन में हम डिनोमिनेटर को इक्वल करके सॉल्व करते हैं, ठीक है वो एक अलग मैटर, लेकिन आपको अगर ओरिजिनल फार्मूला चाहिए इसका, एक फैक्ट फार्मूला, तो याद रखिएगा फार्मूला आपका होता है अरैशनल नंबर, यहाँ पे हम राइट कर देते हैं अरैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर्स, तो इसका एग्जैक्ट फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है a प्लस बी बाई टू, या फिर आप ऐसे करके 1/2 बाहर लिख सकते हैं, ये बेस्ट फार्मूला है, याद रखिएगा, ठीक है, चलिए कैसे, a के प्लेस पे क्या है, 2 कर लीजिए, और b के प्लेस पे क्या है, 3, ये हो गया, सॉल्व कर लीजिए, 2 + 3 आपका 5, और 2 से 5 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, श्योर है 2.50 आएगा, भाई 5/2 यानी 5 का हाफ क्या होता है, 2.50, तो ये आपका आ गया ना आंसर, 1 रैशनल नंबर, तो याद रखिएगा एक फार्मूला बेस्ट फार्मूला है, ठीक है, आप इसके अकॉर्डिंग किसी भी नंबर्स के बीच निकाल सकते हैं, और सिंपल सी बात है कि कोई अगर हम बोलें कि ये 10 सेंटीमीटर है, इसका लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर, तो बताइए इसका बीच कहाँ पे होगा, भाई बिटवीन मतलब क्या होता है, उसका सेंटर निकालना, तो श्योर है कि आप बोलेंगे सर 5 होगा, कैसे, ये 0 है और ये 10, इनका बीच डिस्टेंस 5, मिड क्यों होगा, क्योंकि 0 + 10 में ऐड करके तो उस डिवाइड कर दीजिए, सिंपल 5 आ गया, तो वही तो फार्मूला ही बना दिए, अब आते हैं इरेशनल, तो इरेशनल की प्रॉपर्टी आपके सामने है और ये आपका आंसर भी है, यही तो है आंसर, 2 और 3 के बीच एक इरेशनल दे दीजिए, यह है आपका इरेशनल, है कि नहीं है, बिल्कुल है, आपको पसंद नहीं है कुछ और लिख लीजिए, तो इरेशनल बिटवीन 2 and 3, तो 2 और 3 के बीच इरेशनल दे दीजिए, चलिए आपको दो तरीके से दिखा रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट 2 और 3, तो ये बताइए 2 को हम 2.0 लिख सकते हैं, 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3.0 लिख सकते हैं, अब इसके बीच आप एक नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर लिख दीजिए, कोई सभी, बस इसको पार ना करे बस, तो 2 पॉइंट हमने पहले से लगा दिया, अब यहाँ पे लिख दीजिए ना 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, ... ये आपका आंसर मिल गया ना, आपका आंसर, बस रिपीट नहीं होना चाहिए बस, और आपको आइडेंटिटीज यहाँ हमने समझा दिया, चलिए अगर आपको ये पसंद आया ठीक है, नहीं आया तो एक और तरीके आपको दिखा रहे हैं, ये क्या है बताइए, 4 है क्या, हम ये 2 and 3, आपको अगर ये पसंद है तो ये लिख लीजिएगा, और ये है तो ये भी लिख लीजिएगा, ये 2 को हम √4 लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता ही नहीं होता, तो देखिए जिस नंबर का स्क्वायर रूट ना हो वो इरेशनल है, और जिसका परफेक्ट स्क्वायर हो, स्क्वायर रूट हो, तो समझ जाइए वो रैशनल है, सिंपल, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है ना, तो एक रैशनल हुआ, 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 3, और जिसका नहीं होता वो क्या होता है, तो आप श्योर है बोलेंगे सर वो इरेशनल है, तो भाई 4 और 9 के बीच कितने रूट होते हैं, √5 होता है, √6 होता है, √7 होता है, √8 होता है,
या आपको हमको हमने आपको फोर इरेशनल नंबर दे दिए, तो आपको अगर ये पसंद है तो ये लिख लीजिएगा, ये आपको पसंद है तो ये लिख लीजिए, ये दोनों राइट कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं। तो फर्स्ट रैशनल नंबर, पहले हमें फाइंड करना है रैशनल नंबर। तो हमने अभी आपको फार्मूला क्या बताया, वन अपॉन टू ए प्लस बी, ए के प्लेस पे ज़ीरो, बी के प्लेस पे क्या है 0.1। सिंपल ऐड करेंगे तो श्योर एक 0.1 ही आएगा अपॉन टू, इसे सॉल्व कर लीजिए। तो 0.1 पॉइंट हटाएंगे तो 1/10 डाउन साइड होगा इंटू टू, यानी 1/20, ये आपका आंसर है। क्लियर, रैशनल नंबर मिल गया। आप चाहें तो डिवाइड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आते हैं इरेशनल पे, तो वही बात हो गई ना, ज़ीरो है यहाँ और यहाँ 0.1। याद रखिएगा इससे आप बाहर नहीं जा सकते, इसके बीच ही लिखना है ना। तो देखिए इरेशनल बस वही है ना कि जब हम स्मॉलेस्ट क्लास में पढ़ते हैं सेवन्थ एट में, तो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर वही तो है इरेशनल नंबर्स नंबर। तो ज़ीरो आपने यहाँ कर लिया और इधर क्या है 0.1। क्लियर, इसके बीच एक इरेशनल लिखना है, तो लिख दीजिए ना क्या होगा इसके बीच इरेशनल। तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं 0. देखिए 1 अगर लिख देंगे तो फिर इसके पार हो जाएंगे, ठीक है, तो एक ज़ीरो और ले लेते हैं। अब बताइए अगर हम यहाँ 1 भी लिख दें तो इससे स्मॉलेस्ट एक नहीं है, है या नहीं? बिल्कुल है। तो इससे ये आपका ग्रेटर होना चाहिए और 0 से आपका ये नंबर बड़ा होना चाहिए, तभी तो सेंटर पे आएगा ना। तो ये जगह को हमने यहाँ पे लिख दिया 0.01। नहीं पसंद आया और 0 लिख लीजिए, और लिख लीजिए, और लिख लीजिए यहाँ पे। अब लिख दीजिए 1, 2, 3, 4, 7, 8 डैश डैश ज़रूर लगाइएगा, ये आपका आंसर है। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं। फार्मूला क्या है रैशनल नंबर के लिए, ए प्लस बी बाई टू रैशनल नंबर बिटवीन। तो फार्मूला क्या है 1/2 ए प्लस बी। हमने 1/2 आउटसाइड क्यों कर दिया, कि कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो अपॉन फॉर्म पे मिल जाते हैं, इसलिए ये बेस्ट होगा 1/2 ब्रैकेट। अब देखिए ए के प्लेस पे क्या है 1/3 प्लस बी प्लेस पे क्या है 1/2। श्योर है यहाँ एलसीएम होगा, क्या आ जाएगा 6, 3 2 जा 6, 2 ऊपर कर दीजिए, 2 3 जा 3 यहाँ कर दीजिए 1/2 इंटू 3 2 5 5/6, यानी 5/ क्या आ गया आपका 6 2 जा 12, ये आपका आंसर है। ये आपको मिल गया रैशनल नंबर। अब आते हैं इरेशनल पे। तो इरेशनल के लिए हम क्या करें, हमें तो डेसिमल पे चाहिए, 1/2 से ग्रेटर होना चाहिए आपका इरेशनल और 1/2 से स्मॉलेस्ट होना चाहिए। तो 1/3 को डिवाइड करिए 1 से, तो 1/3 को डिवाइड करते हैं 1 से, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए 1/3 यानी 3 को 1 से डिवाइड करना है 0.10, 3 3 जा 9, 1 रिमाइंडर 0, 3 3 जा 9 फिर 1 आया, फिर 0 लगाएंगे 3 3 जा, मतलब 3 कंटिन्यू है। तो यानी यहाँ पे क्या आ गया 1/3 के प्लेस पे 0.333 डैश डैश डैश। अब इससे हमें ग्रेटर लिखना है, और 1/2 तो आप जानते हैं 0.5 होगा, होगा नहीं होगा, और ये टर्मिनेट है लेकिन ये रिपीटिंग है इसलिए आपका रैशनल नंबर। अब इनके बीच लिखना है, 5 से अब नहीं होना चाहिए, तो हम क्या लिख दें यहाँ पे 0. आपको 3 पसंद नहीं है 4 लिख लीजिए, 5 बस मत बोलिएगा क्योंकि 5 हो जाएगा तो ये आ जाएगा, तो 4 ले लीजिए, 4, 3, 5, 7 जो मन पड़े वो लिखिए, बस रिपीट ना लिखिएगा, ये आपका इरेशनल हुआ। चलिए फोर्थ नंबर देखते हैं, -2/5 and 1/2 रैशनल नंबर बिटवीन -2/5 and 1/2। फार्मूला क्या है 1/2 ब्रैकेट ए प्लस बी, ए के प्लेस पे क्या है 2/5, बी प्लेस पे 1/2। चलिए सॉल्व करते हैं एलसीएम, तो 5 और 2 का एलसीएम 10 आ जाएगा, 5 2 जा 10 और 2 2 जा 4, -4 + 1, सो 1/2 इंटू, यहाँ पे तो इंटू का साइन है, -4 + 1 -3/10 इंटू कर लीजिए, -3 1 जा -3
और 10 2 20, ये आपका आंसर हुआ। अब आते हैं इरेशनल पे, फिर वही बात हो गई इरेशनल नंबर्स। अब डिवाइड करेंगे भाई, 5 से 2 को डिवाइड कर लीजिए, 0.54 20 टर्मिनेट, यानी -2/5 से ग्रेटर होना चाहिए और इससे ग्रेटर कौन होना चाहिए, 1/2। तो 1/2 क्या होता है तो आपको मालूम है, 0.5। चलिए तो ये क्या है आपका, 0.4 से ग्रेटर होना चाहिए और स्मॉलेस्ट किससे होना चाहिए, 0.5। तो ले लीजिए, और 0.5 तो आपको लिखना ही है, बस उससे ग्रेटर तो ऑलरेडी होगा, कुछ भी आप लिखेंगे ग्रेटर होगा। तो 4 के बाद आप स्टार्ट हो जाइए, 9 ही ले लीजिए, 9 7 8 1 2 5 रिपीट नहीं होना चाहिए बस, ये आपका आंसर है। क्लियर। नाउ फिफ्थ नंबर 0.15 and 0.16, बोथ नंबर्स आर टर्मिनेट, टर्मिनेट है ना ये दोनों। चलिए रैशनल पे आते हैं, रैशनल नंबर्स, तो रूल्स 1/2 a + b, सो 1/2 a के प्लेस पे 0.15 + 0.16, 1/2 दोनों को ऐड कर देते हैं, तो ऐड करेंगे तो 6 5 11, 1 2 1 3.0, 0.31 पॉइंट हटा दीजिए तो 31/10 हो जाएगा और नीचे 2 है तो 31/10 2 20, ये आपका फाइनल आंसर है। आ जाइए इरेशनल पे, इरेशनल करने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है और मज़ा आना ही चाहिए, क्योंकि रैशनल से ज़्यादा इजी कुछ है ही नहीं है। क्यों, बहुत इंटरेस्टेड है भाई, 0.15 है से बड़ा होना चाहिए इरेशनल आपका, और 0.16 से स्मॉलेस्ट होना चाहिए, सिंपल। तो आप आ जाइए, वो कौन सा नंबर है इरेशनल, तो 0.15 तो ज़रूर लिख लीजिएगा, अदरवाइज़ इससे स्मॉलेस्ट नहीं होना चाहिए, इससे तो ग्रेटर ही होना चाहिए। 15 के बाद आप कुछ भी लिखिए, बस ये तो ऑलरेडी 15 हो गया, तो 16 से तो स्मॉलेस्ट ही होगा, सिंपल। अब आप चाहे 16 ही लिख दीजिए, 17 लिख दीजिए, ठीक है, और कुछ भी लिख दीजिए, 0.57 कुछ भी लिख दीजिए, बस रिपीट नहीं होना चाहिए, ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, राइट 2 इरेशनल नंबर्स बिटवीन 4/9 and 7/11, तो आप यहाँ लिखिए 2 इरेशनल नंबर्स आर, इरेशनल नंबर्स बिटवीन 4/9 and 7/11 आर, तो आप क्या लिखेंगे, 4/9 इधर लिख लीजिए और 7/11 यहाँ लिख लीजिए, बस याद रहे इससे ग्रेटर होने चाहिए। अब इससे भी आप ग्रेटर आप कर लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इससे स्मॉलेस्ट होना चाहिए ये दोनों, बस ये दोनों हमने गैप कर दिया। चलिए सो फर्स्ट 4/9 को हम डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 0.444 इससे ग्रेटर होना चाहिए और इससे भी ग्रेटर, ये स्पेस हमने इसलिए इस कर दिया क्योंकि थोड़ा डिवाइड कर लें, डिवाइड से हमें ज़्यादा एक्सप्लेन मिल जाता है कि हमें राइट क्या करना है। और सेकंड है आपका 7/11, तो इसका रिजल्ट है आपका 0.6363। अब श्योर है कि अपॉन है, रैशनल है, तो रिपीट तो होंगे, देखिए इनमें रिपीट हो रहा है तो ऐसे हमें नहीं लिखने हैं, ठीक है, इसके बीच हमें 2 इरेशनल लिखने हैं। तो 2 इरेशनल क्या हुए इनके बीच, तो यहाँ पे स्पेस तो नहीं है, चलिए यहीं पे राइट कर देते हैं, 0.44 इससे ग्रेटर हो, देखिए यहाँ 44 है, यहाँ पे क्या 63, तो अब बताइए 44 है, बाकी को मत देखिए 44, इधर देख लीजिए 63, 44 और 63 के बीच कितने नंबर्स होते हैं, 45 होता है, 46 47 48 45 है ना, 49 50 51 52 जो आपको पसंद है वो लिख लीजिए, 51 लिख लें, चलिए 51 लिख लेते हैं, उसके बाद आप कुछ भी लिखिए, रिपीट नहीं होना चाहिए, बस 2 5 7 9 0 8 2 -, 51 पसंद आ गया, चलिए 63 के अंदर 60 ले लें, 60 ले लेते हैं,
60 ले लिए, 2379 डैश डैश डैश, क्लियर, ये आपके दोनों नंबर हो गए, ये आपका आंसर हुआ, क्लियर। तो ये प्लेस में चाहे आप यहाँ लिख लीजिएगा, इन दोनों जगहों में, चाहे आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, बस एक बार आप ये डिवाइड लिखिएगा और ये दोनों आपके आंसर हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, तो 13 में आप यहाँ देखिए, फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन रूट टू एंड रूट थ्री। तो पहले तो ये देखिए, ये भी रैशनल है और ये भी रैशनल है। अब दो इरेशनल के बीच हमें रैशनल लिखना है, तो रैशनल बोलते किसे हैं? तो रैशनल हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग को, किसे बोलते हैं? टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग को। और इरेशनल किसे बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, क्लियर, सिंपल। तो हमें ऐसा नंबर देना है जो टर्मिनेट हो, सिंपल। तो देखिए रूट टू, भाई रूट टू की वैल्यू क्या होती है पहले वो देख लेते हैं। रूट टू की वैल्यू होती है 1.414 डैश डैश डैश, और रूट थ्री की वैल्यू क्या होती है? रूट थ्री की वैल्यू होती है 1.7320 डैश डैश डैश। देखिए दोनों ही रैशनल, ठीक है, इनके बीच हमें एक रैशनल नंबर लिखना है, ठीक है। तो बिटवीन रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर इस कितने लिखने हैं? वन, और लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये बताइए 1.4 है ना, यहाँ पे क्या 1.73, ये 41 ले लीजिए, 73। अब 41 और 73 के बीच कितने नंबर्स होते हैं? बहुत सारे नंबर होते हैं, तो बस ये डैश मत लिखिएगा बस, और जो आप चाहें वो लिख लीजिए। तो 1 पॉइंट क्या लिख लें, 50 ले लें, 50 ले लीजिए। और लिखना है आगे, आप आगे भी लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम, बस डैश डैश मत लगाइएगा। या फिर 50-50 लिख लीजिए, 50-50 डैश डैश लिख लें। देखिए रिपीट हो रहा है तो रैशनल हो गया, मतलब हम इन्फिनिटिव नंबर लिख सकते हैं, यानी कि एक ही नंबर इन्फिनिटिव। आपको ये पसंद नहीं आया, 1.60 ले लीजिए, बस 73 के अंदर रहिएगा बस। ये आपको पसंद है ये लिख लीजिए, आपको 1.6 बस लिखना है ये ले लीजिए, 1.7 लिखना है 7 ये भी ले लीजिए, ये भी है 1.49 ये ले लीजिए, इन्हीं के बीच आ रहा है, सिंपल। तो कितने नंबर्स आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे लिख लीजिए 1.60 या 63 डैश डैश डैश। तो आपको जो पसंद है वो आप राइट कर लीजिएगा, ये सभी के सभी आंसर हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 2√3 एंड √15। यहाँ पे हिंट है, आपको हिंट के अकॉर्डिंग करना है तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन हम हिंट का यहाँ यूज नहीं करेंगे, ठीक है भाई। कोई भी, एक बात याद रखिएगा, कोई भी रैशनल नंबर हो या कोई भी रैशनल नंबर हो, उनके बीच इन्फिनिटिव रैशनल और इरैशनल होते हैं, तो हमें हिंट की क्या ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पे हिंट का यूज़ नहीं करेंगे। हमें किसके बीच निकालना है बस वो देखना है, 2√3 है, हम इन सब की वैल्यू जानते हैं। रूट थ्री क्या होता है? अभी हमने आपको बताया 1.732 डैश डैश डैश, यही होता है। बचा रूट 15, अगर आपसे कोई बोले कि रूट 15 की वैल्यू क्या होती है, तो आप कंफ्यूज मत होइए, आपको एक ट्रिक देते हैं, आप तुरंत आंसर दे देंगे। आप सिर्फ ये देखा करिए, कोई भी नंबर रहे, ये किसके स्क्वायर रूट के बीच आता है, तो जो 15 है वो रूट 16 और रूट 9 के बीच आता है। आता है नहीं आता, सिर्फ इतना सोता ही आता है। 9 का क्या होता है? स्क्वायर रूट 3। 16 का क्या होता है? 4। यानी 9 से लेके जितने भी 16 तक के नंबर होंगे, यानी √10, √11, √12, √13, √14, √15, उन सब की वैल्यू 3 पॉइंट से ही स्टार्ट होगी। समझ में आई बात? 3 पॉइंट। अब 3 के पॉइंट के बाद आप कुछ भी बोल दीजिए ना, किस कुछ भी बोल दीजिए, 3.8972, 3.57, क्योंकि पॉइंट के बाद आप कुछ भी अप्रोक्सीमेटली बोलते हैं तो उसे राइट ही माना जाता है। अगर आपसे कोई बोल दे √24 का बताइए, तो बिल्कुल परेशान ना हो, आप ये देखिए किसके बीच आ रहा है, √16 और √25 के बीच आ रहा है। तो यहाँ पे 16 का क्या है? 4, और इसका क्या है? 5। तो श्योर है कि √24 का 4.579 कुछ भी आप बोल दीजिए। तो देखिए आप चेक कर लीजिएगा, कैलकुलेटर का यूज़ कर लीजिएगा, हम कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, तो आप इसके अकॉर्डिंग बोल सकते हैं।
तो यहाँ पे देखिए रूट 15 है ना, है कि नहीं? बिल्कुल है। तो रूट 15 चलिए एक बार लिख देते हैं, जो कि 2 का इंटू भी करना है, 2 3 जस 2 2 जब 4, 2 3 जस 6, 2 7 जब 14, 1 रिमाइंडर, 2 1 जब 2 1 3, ये हमें रिजल्ट मिला डैश डैश डैश। अब इससे ग्रेटर हमको दो रैशनल देने हैं, एक यहाँ पे ले लेते हैं एक यहाँ पे ले लेते हैं, और रूट 15 इससे ग्रेटर होना चाहिए। रूट 15 के बारे में अभी हमने आपसे बताया 3.872। अब भाई हमें तो राइट ही लिखना पड़ेगा, इसलिए हमने यहाँ लिख दिया 3.872, और आपके सामने भी आपको बता दिए कि यहाँ क्या होगा। अब इसके बीच आप दे दीजिए ना टू रैशनल, टर्मिनेट दे दीजिए, 3.46 है ना, यहाँ पे क्या है 87, बहुत ज़्यादा नंबर है, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए 3.50 ले लीजिए, कंप्लीट फर्स्ट रैशनल नंबर। सेकंड 3.80 ले लीजिए, भाई 87 से तो कम ही है ना, तो ये टर्मिनेट है, देखिए इसमें डैश डैश नहीं है, इसमें भी डैश डैश नहीं है, ये आपके दो रैशनल नंबर हुए, तो हिंट की क्या ज़रूरत, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, इंसर्ट एन इरेशनल नंबर बिटवीन रूट 5 एंड रूट 7। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि रूट 5 का क्या होगा, भलाई आप आंसर परफेक्ट ना दें लेकिन फर्स्ट नंबर तो रहेगा आपका। रूट 5 किसके बीच आता है, तो आप देखेंगे 1 और श्योर है सॉरी 4 और 9 के बीच, आ रहा है नहीं आ रहा, देखिए दोनों आ रहे हैं, तो इसका क्या होता है 4 का 2, इसका क्या होता है 3, तो श्योर है इन दोनों की जो वैल्यू होगी वो 2 से स्टार्ट होगी, भाई इनके बीच आ रहा है तो 2, तो ये तो हमें दोनों का लर्न है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे रूट 5 की बात करें तो 2.236 होता है, क्या होता है 2.236 होता है, और अगर रूट 7 आप बोला जाए तो 2.645 डैश डैश डैश। तो फर्स्ट नंबर हुआ रूट, पहले लिख लेते हैं रूट 5 एंड रूट 5 पहले वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू भी लिख देते हैं 2.236 डैश डैश डैश। रूट 7 को अभी हमने आपसे बताया क्या होता है 2.645 डैश डैश डैश। अब देखिए यहाँ 23 है, यहाँ 64 है, तो हमें क्या लिखना है इरेशनल, तो दे दीजिए ना इसी के बीच, बस 64 मत लिखिए, क्या लिखना चाहते हैं बताइए, क्या लिखना चाहते हैं। और आपको अगर ये भी लिखना नहीं है तो आपके पास एक और बेस्ट आंसर है, रूट 5 है तो रूट 5 से ग्रेटर रूट 6 होता है, नो डाउट, ये भी तो आपका आंसर है। ये देखिए भाई इरेशनल बोला गया ना, ये इरेशनल है, तो जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता वो इरेशनल होता है, सिंपल, ये भी आपका आंसर। अगर आपको ये पसंद है ये लिख लीजिएगा, नंबर में आपको देखना है तो नंबर दे देते हैं, तो इरेशनल ही देना है ना, तो 2.50 लिख लीजिए, 50 और 2.357 डैश डैश, रिपीट नहीं होना चाहिए बस, क्योंकि रैशनल है, तो ये आपका आंसर हुआ। अब इस क्वेश्चन के आंसर तो आपको ऑलरेडी मालूम है, दो रैशनल, रूट 5 ले लीजिए रूट 6, क्योंकि रूट 4 आपका रैशनल नंबर है, क्योंकि रूट 4 का परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है, तो रूट 5 रूट 6 आंसर है बिना सॉल्व किए, ये दोनों आंसर इसमें भी हैं, लेकिन आप राइट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे राइट कर लीजिए सॉल्यूशन टू इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स बिटवीन रूट 3 एंड रूट 7 आ, अब यहाँ पे लिख दीजिए रूट 7 की वैल्यू 1.732 डैश डैश डैश, और अभी हमने आपको रूट 7 का बताया 2.645 डैश डैश डैश, इरेशनल देना है दे दीजिए, रिपीट नहीं होना चाहिए, देखिए यहाँ 73, यहाँ पे क्या है 64, तो अरे हम तो सॉफ्ट हो गए कि यहाँ 73 है 64, लेकिन हमने यहाँ ध्यान नहीं दिया कि यहाँ 1 है यहाँ 2 है, अरे आप तो बहुत आज़ाद हैं, अब तो बहुत कुछ लिख सकते हैं, 1.9 लिख लीजिए 02349 डैश डैश डैश, ठीक है, लेकिन 9 के बाद एक ज़रूर नंबर ले लीजिएगा 1, नहीं रिपीट ना हो जाए, 1 लिख लीजिएगा भाई, 0 नहीं आना चाहिए ना, क्योंकि पता ही नहीं चल जाए, और एक नंबर और लिख लीजिए इससे ग्रेटर, तो यहाँ पे क्या लिख लें हम, यहाँ पे शो कर देते हैं 1.99 लिख लीजिए, 87 लिख लीजिए, 6 लिख लीजिए, 9 लिख लीजिए, 0 डैश डैश डैश, तो एक ये नंबर है एक ये नंबर है, और अगर आपको ये पसंद नहीं आया तो आप क्या लिख लीजिएगा, रूट 3 ग्रेटर देन रूट
फाइव ग्रेटर देन रूट सिक्स ग्रेटर देन रूट सेवन। तो दो आंसर हमने आपको दिए, एक यहाँ तक आपको लिखना है तो यहाँ तक कर लीजिएगा, और आपको अगर ये पसंद नहीं आया तो आप इसे लिख लीजिएगा, भाई इसके बीच ही है ना। तो ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। सो आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।